हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, आई एम गौरव शर्मा बैक अगेन ऑन माय चैनल कुक विद गौरव। सो आज मैं कुकिंग का नहीं, एक ट्रैवलिंग ब्लॉग लेके आया हूँ। हम लोग रिसेंटली एक शादी में गए थे, मेरे फ्रेंड के भाई की शादी थी बलिया में। तो बलिया से वापस आते समय हमने प्लान किया कि हम अब इतनी दूर आए हैं तो बनारस होके जाएंगे। जी बनारस हम गए और महाकाल विश्वनाथ सबके दर्शन करने का हमें मौका मिला। तो हम शाम को पहुंच गए थे 4 बजे के आसपास बनारस, लेकिन आइडिया नहीं था इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड होगा घाट के आसपास का एरिया। तो फिर हमें वहाँ पे कोई होटल नहीं मिला, फिर हम कैंट रोड में गए, वहाँ पे हमने होटल में चेक इन करके लगेज रख के वापस आ गए हम, क्योंकि हमें पता था कि 7 बजे आरती स्टार्ट होती है। तो उसके हिसाब से हम 6:30 तक हम घाट पे पहुंच गए थे। लेकिन जब हम घाट पे पहुंचे तो आरती ऑलरेडी चल रही थी वहाँ पे, क्योंकि हमें पहुंचते आई गेस 7:45 बज गए थे। हम 7 बजे का टाइम लेके चल रहे थे, लेकिन आरती सर्दियों में शायद थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे आरती ऑलरेडी हो रही थी। तो इसलिए हम पास में बिल्कुल नहीं जा पाए आरती जहाँ पे हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी सारी जगह। फिर भी हम आरती के टाइम पे वहाँ पे थे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद हम बोटिंग करते हुए, बोटिंग हमने बुक करा और हम चल पड़े गंगा घाट के दर्शन करने। ये हम निकल रहे हैं दशमेश घाट से, वहाँ पे हो रही थी आरती। और यहाँ पे रास्ते में मौका मिला था तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए रील्स के लिए, और उसमें बहुत से घाटों के हमने के हम घूम रहे थे। तो जिसमें से कि मेन घाट जिनके नाम मुझे याद हैं, दशमेश घाट, हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, और ये अनूप यहाँ पे वीडियोस बना रहा है मणिकर्णिका घाट के, क्योंकि मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जो मुक्ति का घाट है। यहाँ पे अंतिम समय में लोग यहाँ पे आते हैं, और ऐसे कहा जाता है कि अंतिम समय में अगर जो जहाँ पे आ जाता है उसको कोई कष्ट नहीं होता है। तो यहाँ का जो ये जो अग्नि है, चिता की अग्नि है, कभी नहीं बुझती है, ये हमेशा जलती ही रहती है। क्योंकि हमने वहाँ पे देखा बहुत से लोग ऐसे अंतिम यात्रा, बहुत से लोगों की वहाँ पे आ रही थी और वो मणिकर्णिका घाट पे ही जा रहे थे क्रिमिनेशन के लिए। और वापस आके ये एक बाबा जी वहाँ पे बैठे थे, हमने उनको प्रणाम किया, उनसे बबूता ली और उनके साथ फ़ोटो और वीडियो भी खिंचवाया, जो कि हमें डर लग रहा था वो कहीं बुरा ना मान जाए। और यहाँ पे ये आरती हमने ली। ये यहाँ पे अनूप और आकांक्षा दीपक जला रहे हैं गंगा जी को अर्पित करने के लिए, तो इन्होंने यहाँ पे दीपक जला के छोड़ दिया था गंगा जी में। और फिर वहाँ से फ्री होके हम आए वापस, और यहाँ पे शुरू हुआ हमारा स्ट्रगल। जी हाँ, स्ट्रगल इसलिए क्योंकि बनारस सिर्फ मंदिर गंगा जी और के लिए तो फेमस है, लेकिन खाने के लिए फेमस है। तो वहाँ पे जो मेन चाट के जो 2 शॉप्स थी वो बंद थी शादियों की वजह से। तो हम घूमते घुमाते हम संकट मोचन के मंदिर भी गए थे, जो कि वीडियो वहाँ पे हम नहीं बना पाए, फ़ोन अलाउड नहीं था। फिर वहाँ पे हमने कोई एक शॉप हमें मिली, वहाँ पे हमने समोसे खाए, चाट खाया, गोलगप्पे खाए, और बनारस का फेमस चाट जो है टमाटर चाट, जो पूर्वा जिसे कहते हैं, मिट्टी के बर्तन में हमने खाया, आलू टिक्की खाई। और भैया हमें खिलाए जा रहे थे, हम भूखे थे, हम भी खाए जा रहे थे। और फिर जब आप बनारस आए हो और बनारस का पान नहीं खाया तो क्या बनारस आए। तो यहाँ पे हमने मीठे पान बनाए बिना वो चूने के जो कि होते हैं, वो मैंने और अनूप ने यहाँ पे, ये देखिए, बहुत मज़े से पान का भी आनंद लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम दर्शन के लिए आए, और ये अंकल जो हैं इन्होंने राम तेरी गंगा मैली में काम किया हुआ है, ये हमें बता रहे थे। तो इन्होंने हमें बताया कि अगर आप जा रहे हो तो पहले आप काल भैरव के मंदिर में जाइए, क्योंकि काल भैरव जो हैं काशी के कोतवाल हैं, तो पहले उनके दर्शन होते हैं, उसके बाद आप काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वहाँ पर जाइए। तो यहाँ पर हम आ गए हैं, लगे हैं लाइन में काल भैरव की मंदिर के लिए। तो यहाँ पर ये वहाँ पर जो माला फूलमाला जो प्रसाद वहां पे चढ़ता है उसके बास्केट लेके, देखो ये कैसे लाइन लगी हुई है। और हम सुबह थे तो सुबह इतना रश नहीं था, तो बाहर तक ही हम वीडियो बना सकते हैं यहां का, क्योंकि फोन अंदर अलाउड नहीं है। यहां पे दर्शन करके माथा टेक के आ गए हैं हम लोग। और उन्होंने हमें ये भी कहा था कि आप अगर आए हो तो सबसे अच्छा होगा आप वहां के मंदिर महाकाल काल भैरव के मंदिर से लेके
काशी विश्वनाथ जी के मंदिर तक आप पैदल जाओ तो वो ही असली यात्रा होती है। तो हम निकल गए जहाँ पे पैदल, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 से 1.5 किलोमीटर था, बोलते तो वो 1 किलोमीटर लेकिन यहाँ तक लगता है 1.5 किलोमीटर था। तो हम चलते चलते वहाँ पे पहुँचे, वहाँ पे हमने VIP पास लिया 300 जिसका टिकट था। एक पंडित जी हमारे साथ है, और देखिए यहाँ पे हमने दर्शन किए। ये जो पीछे गोल्डन कलर का है वो है काशी विश्वनाथ जी का मंदिर, वहाँ पे हमने प्रसाद चढ़ाया, काफ़ी अच्छा टाइम। कुछ फोटोज़ हम बाहर की कॉम्प्लेक्स में ले सकते थे वो हमने लिए। फिर सुबह से हम सूचे मुंह आए थे बिना कुछ खाए पिए, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ का चाट एक दो जगह हमने ट्राई किया, हमें अच्छा नहीं लगा। फाइनली हम एक अच्छी जगह, हमें समोसे खाने को मिले, और वहाँ पे ये कुछ बना हुआ था, पता नहीं क्या था लेकिन ये भी अच्छा था। वहाँ हमने थोड़ी सी मिठाइयाँ भी पैक कराई। वहाँ का बनारस का जो फेमस है लाल पेड़ा, तो वो हमने लिया, वहाँ की एक फेमस दुकान थी। और उसके बाद फिर हम वापस आ गए, रास्ते में होटल जाने के टाइम पे फिर हमने वहाँ की जो कुल्हड़ वाली चाय एक्सप्लोर की, समोसे खाए। और यहाँ पे फिर से ये आखिरी बार हम निकल रहे थे बाहर शहर से, तो ये कुल्हड़ वाली चाय, यहाँ की अच्छी चाय थी, बहुत ही अच्छी चाय थी ये, तो वहाँ पे हमने पी। और अनूप को था कि मुझे सर्व करनी है चाय, तो वो देखो अपने हाथ से वो उसमें कुल्हड़ों में चाय सर्व करके हमें दे रहा है। तो ये था हमारा बनारस का ट्रिप। आई होप